हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हालत बेहद खराब है। मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश पर टूटा है। आज सुबह कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे एक इमारत भरभराकर गिर गई और चंद मिनटों में सैलाब में बह गई। मात्र 7 सेकंड में इमारत के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इमारत गिरने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन इसमें लोगों के दिलों में डर जरूर पैदा कर दिया है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खाद इलाके में बादल फटने से 19 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लापता लोगों की तलाश जारी है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। वहीं मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजवन गांव में आधी रात को बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई घरों में पानी के तेज बहाव से बह गए और 11 लोग लापता हो गए। इस घटना में अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। बुधवार रात करीब 12 बजे बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों ओर पानी ही पानी हो गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर है। कुल्लू, मंडी और शिमला में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। कुल 50 लोग लापता हैं। 2 NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची हैं और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हालात बेहद नाजुक है। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो कृपया सावधान रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त करें। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।